कितना हो गया 180 या 190 के लमसम इसमें लग चुका है अभी तक। अब तो मुझे लग सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज हम हैं दिल्ली पे, जो कि अपने गाड़ी का काम होना था। ये देखो गाइस, गाड़ी पूरी खुली पड़ी है इस टाइम पे। तो गाइस काफी दिनों बाद अपना व्लॉग आ रहा है, मस्ट वॉच करना। अभी इसमें जो जो चेंजेस होते हैं भाई, अभी आप लोगों को बताया जाएगा सारा कुछ, काम हो जाए जरा। तो गाइस ये कुछ यूं काम चलता हुआ अपनी गाड़ी का, इसके बाद अंदर भी चलते हैं जरा, देखते हैं माहौल क्या है यहाँ का। रेस्ट हमारा लग रहा है, दिखाता हूँ मैं। हाँ तो भाइयों, देख ली ना पुरानी वाली वीडियोस, तो भाई बात ये है कुल मिला के कि वहाँ हुआ ये था कि भाई हम लोगों का काम होते होते हो गई थी रात, तो रात हो गई तो हम लोग वीडियो भाई कैप्चर कर नहीं पाए, तो हमने सोचा तो चलो घर जाके कर लेंगे। तो फाइनली आज भाई मौका मिल चुका है, तो गाड़ी अपनी यूँ खड़ी है क्योंकि रेडी हो चुकी है पूरी। देखा गाइस सेक्सी लग रही है। तो चलो भाई इसका फटाक से हम लोग इन डेप्थ रिव्यू दिखाते हैं आप सब लोगों को। फ्रॉन्क्स जो कि बेस टू सीधा टॉप में कन्वर्ट हुई है, तो भाई मिलते हैं अपन सीधा गाड़ी ओनर से, एक बार आपको वॉक अराउंड दे दें इसका। ये देखो भाई पीछे इसका कुछ, ये DRL, देखा भाई गाड़ी तो एक नंबर लग रही है। अलॉयज भी अच्छे लग रहे हैं, बताना भाई अलॉय कैसे लग रहे हैं इस गाड़ी पे। देख लिया भाई वॉक अराउंड हो गया है, मैं भाई आपको मिलवाता हूँ इसके ओनर से, जो कि आपको इन डेप्थ पूरा रिव्यू देंगे। तो भाई चलो अपना वेलकम करते हैं अपने व्लॉग में विजय भाई का। फ्रॉन्क्स तो आप ऐसे भी पहले ये देख चुके हैं, पर ये बदल चुकी है। तो चलो विजय से मिलते हैं भाई, डायरेक्ट आपको भी मिलवाते हैं सीधा फ्रॉन्क्स के साथ। लो जी भाइयों, अपना मोस्ट वेलकम होता हुआ इसके ओनर का, आ जाओ विजय भाई। तो चलो भाई विजय भाई आ चुके हैं, तो इनसे अब इंक्वायरी करते हैं क्या क्या हुआ। विजय भाई कैसे हो? तो चलो भाई अब इसकी जरा कारिस्तानी सुनाओ, इसमें क्या क्या काम हुआ है। मुझे बिल देखना पड़ेगा। बिल तो बिल की बात हम बाद में करते हैं, तो पहले शुरुआत से आगे बताओ, आगे से इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। DRL ये वाले, तो पहले इसमें कौन से लगे थे? इंडिकेटर बंद करता हूं, वाइट चला। अच्छा दिखाओ, अच्छा ये सिर्फ इंडिकेटर था, दिख रहा है? अच्छा पहले ये नहीं जलते थे क्या? अच्छा तो गाइस ये भी इसका बदल चुका है, इंडिकेटर चालू कर दो, अच्छा लग रहा है। नीचे LED। अच्छा ये अपग्रेड हुई है इसमें, ये अपनी LED चेंज हुई है। कितने वाट की इसमें डली है? 160 वाट की डली है, लेकिन 300 वाट की कह रहा था, पर वो 160 वाट की डलवाई हमने। अच्छा और ये ग्रिल, अच्छा ये ग्रिल भी चेंज हुई है। पहले इसमें कौन सी थी ग्रिल? पहले थी बेस मॉडल वाली। अच्छा जो नॉर्मल आती है, बेसिक जो आती है वही है। और आगे से क्या क्या चेंज हुआ है? बस इतना ही, तीन चीजें कुल मिला के मतलब आगे से चेंज हुई है। अच्छा तीन चीज। अब साइड से भाई अगर साइड की बात करते हैं, तो भाई सबसे पहले इसका चेंज हुआ है ORVM, जो कि पहले ये कौन सा कलर का था? ब्लैक कलर का नॉर्मल था, बिना ये इंडिकेटर वाला ना। अच्छा तो भाई ये बॉडी कलर का शिफ्ट हुआ है इसमें। इसके बाद एक छोटी सी डिजाइन भाई ये भी लगवाई गई है लुक एनहेंस करने के लिए। और अपना ये क्रोम भी लगा हुआ है। पहले इसमें क्या थे? नॉर्मल थे अंदर से। अच्छा क्रोम लगा यहाँ भी, यहाँ भी। तो खर्चे की बात तो भाई हमने की ही नहीं वैसे, ये इसका क्या चार्ज पड़ा है भाई? ये समथिंग 10,000 के पड़ा है। अच्छा ये काम कहाँ से हुआ है अपना भाई? दिल्ली करोल बाग। उसका क्या नाम था भाई शॉप वाले का? गया तो भाई मैं अभी था, केन एंटरप्राइज ऐसे कुछ था भाई। बाकी हम डाल देंगे भाई पीछे का, एक बार देखते हैं पीछे क्या क्या हुआ भाई, देख लो एक बार अच्छे से। मैंने तो देख लिया भाई, मेरे हिसाब से इसमें लग रहा है कि इसमें लगे हैं रिफ्लेक्टर और ये टेल लाइट, तुम्हारी दो चीजें ही पीछे से, टेल लाइट और रिफ्लेक्टर, और ये कनेक्टेड टेल लाइट अच्छी लगती है। और भाई सबसे बड़ी लुक की बात की जाए तो इसमें क्या डला है? हेलो है
तो भाई ये BMW इंस्पायर्ड बोलेंगे इसको, मतलब उसी के जैसा लुक वाला, सस्ता वाला अपना। इसमें बाकी लगवा दिए हैं कैप हमने। ये कितने के पड़े थे भाई अलवर अपने? 26,000 का। अच्छा, मतलब और तो कुछ लगा नहीं था। और इसमें कैलिपर्स में भी मुझे लग रहा है कलर करवाया है ना, ड्रम पे भी करवाया है। और भाई आगे की बात करते हैं तो भाई कैलिपर्स भी इसके रेड हो चुके हैं, ये देखो सुंदर लग रहे हैं। तो भाई ऐसा कुछ था आगे का इसका काम, जो कि इतना ही है। अब इंटीरियर देखते हैं। चलो भाई अब बात करते हैं सीधा इंटीरियर की, तो चलते हैं भाई अपन इंटीरियर की तरफ। ओ वाओ, ये तो कुछ ज्यादा ही खास दिख रहा है भाई। सबसे पहले भाई इसका कलर बताओ, ये कलर कौन सा है? पर्शियन ग्रीन। अच्छा, ये मुझे लग रहा है हाईली डिमांड पे बना होगा। ये मिल ही नहीं रहा था, अवेलेबल ही नहीं था वहाँ पे। अच्छा, तो इसकी भी कुछ स्टोरी है क्या? तो एक काम करते हैं, हम लोग बैठते हैं फिर इस कलर के बारे में बात करते हैं। पहले हमने स्पेशली ये कलर बनवाया। तो कलर ये मतलब तुमने देखा कहाँ, क्या कैसे? कलर की स्टोरी सुनाओ पहले तुम पूरी। कलर की स्टोरी मत पूछो, बता दो। ये कलर तुमको देखा कहाँ, पसंद कहाँ है? किसी ने बोला था किसी को, तुम्हारे खास लोगों को पसंद है क्या ये कलर? इस कलर की स्टोरी तो सुना। नहीं नहीं नहीं, कलर का तो बताना पड़ेगा भाई पहले। इंटीरियर देखो भाई, अच्छा लग रहा है भाई। तो गाइस इस कलर का नाम है भाई कुछ पर्शियन ग्रीन। तो भाई इस पे भी हुआ है, साइड्स पे भी है, इस पे भी है, पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है। तो भाई अगर बात की जाए तो इसमें ये बताओ इंटीरियर में क्या क्या चेंज हुआ है, सबसे पहले तो ये बताओ। छोटे छोटे चीजें देखते हैं, जैसे ये अपना पियानो ब्लैक हुआ। अच्छा, ये भी पियानो ब्लैक हुआ है, ठीक है। ये देखो। अच्छा, तो ये एसी वेंट भी चेंज हुए हैं, पहले इसमें नॉर्मल था, ये नहीं था शायद ना? नहीं, सिर्फ ब्लैक था। दो चीज हो गई ये भाई। तीसरा मुझे लग रहा है गियर नॉब चेंज हुआ है। एग्जैक्ट, हाँ भाई गियर नॉब भी हुआ है चेंज। हैंड रेस्ट अपना भाई, ये भाई हैंड रेस्ट वही टॉप मॉडल वाला है, मतलब कुल मिला के बेस टू टॉप कन्वर्ट हुई है। और ये छोटे छोटे चीजें। अच्छा, ये क्रोम में है, पहले इसमें नॉर्मल ब्लैक कलर का था। अच्छा, ये भी पियानो ब्लैक में ही है। अच्छा लग रहा है साइड से और यहाँ से। गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। तो भाई इसमें सबसे बड़ा चेंजेस क्या है? चलो ये तो बेसिक सी चीजें हैं, व्हाइट कलर की लगवा दी गई है। नहीं, सबसे बड़ी चीज इसमें क्या है, ये चेंज हुई है अंदर स्टीयरिंग। हाँ, तो भाई ये देखो, ये अपना लगा है इसमें टॉप मॉडल का स्टीयरिंग भाई, जो नॉर्मल आता है उसमें ये सब तो होता नहीं, कंट्रोल्स दोनों तरफ। कंट्रोल्स एक भी नहीं होते इसमें, पूरे कंट्रोल्स। अच्छा, तो ये सब वर्किंग है? हाँ, क्रूज कंट्रोल भी, वॉल्यूम, सारे ये कॉल पिक करने वाले सारे बटन, मतलब जितने भी बटन है सब काम करते हैं, मतलब कुल मिलाकर काम अच्छा हुआ है। पैडल शिफ्टर भी है। चलो बढ़िया है भाई। और भाई इसमें कुछ अलग से कुछ और क्या है इसमें अलग से, मतलब कुछ बाहर की कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई है? नहीं, नॉर्मल बेसिक बेस टू टॉप चेंज हुई है। अच्छा, मैंने सुना था भाई एम्बिएंट लाइट भी लगवाई है आपने। रात में देखते तो ज्यादा सेक्सी लगती, पर दिखा देते। चलो कोई बात नहीं, आप जला दो एक बार। वाओ, ये देखो भाई, लुक चेक आउट करो। मैं एक बार भाई आपको पीछे से दिखाता हूँ इसका मजा भाई। ये देखो भाई, मतलब ये देखो भाई, मतलब ये रनिंग वाली है, मैट्रिक्स वाली। इसकी क्या प्राइसिंग पड़ गई थी? ये 7000 की पड़ी। 7000 की अप्रोक्स लगी थी। ये देखो भाई, यहाँ भी लगी है इस गेट में, यहाँ भी लगी है। ये देखो म्यूजिक सिस्टम वाली। अच्छा, इसमें ये भी है क्या? सांट्रा पे पूरी बंद हो जाएगी, देखो। ये और बैठे बैठे हमको सबसे पहली चीज तो ये याद आ गई कि भाई टॉप मॉडल के इसके मिरर तो डली गए हैं, साथ में ये ऑटो फोल्डेबल भी हो गए हैं। मतलब कुल मिला के यहाँ पे इसका बटन लगाया गया है, करो ये देखो, फोल्ड और अनफोल्ड वाली इसमें रिले डलती है भाई। कुल मिला के भाई काम तो एक नंबर हुआ है, अच्छा भी लग रहा है इसका। भाई ये भी चेक करो, अब पियानो फिनिश में अच्छा लग रहा है। एम्बिएंट लाइट तो कुछ ज्यादा ही भाई प्यारी लग रही है इसमें, नाइट में और प्यारी लग रही है। एक क्लिप नाइट में लेना आपको। बिल्कुल भाई, बिल्कुल देखते हैं रात का नजारा भाई इसमें। तो भाई अब बात की जाए बिल की, तो भाई इसमें क्या कैसा कितना खर्चा आया है टोटल, पहले बताओ। पहले टोटल गाड़ी गाड़ी में बस आया है 1,38,000। 1,80,000-1,90,000 के बीचों बीच मॉडिफिकेशन इसमें कुल मिला के हो चुकी है। तो भाई अब गाने की बात की है तो एक काम करो, कोई बेहतरीन सा गाना भी लगा के सुना दो। तो इसका हम लोग वो चेक कर लेते हैं भाई, ऑडियो आउटपुट क्या है। तो गाइस ये बज गया गाना, फुल करो ना वॉल्यूम जरा, खुला रहने दो जरा। ये
ये देखो भाई इसका म्यूजिक आउटपुट। भाई किस कंपनी के लगवा रखे हैं तुमने इसमें बूफर वगैरह? काफी पहले लगा था पायनीर का है भाई। इसमें मतलब चारों साउंड चेंज हुए कुल मिला के। बेस ट्यूब भी रखा है कुल मिला के भाई। आवाज भी काफी तगड़ी हो रखी है, ऐसा नहीं है। ये रखा है भाई देखो पेटी। बेस ट्यूब छोटा ही है बट फिर भी काम कर रहा है बड़े धमाके वाला। तो ऐसा कुछ है भाई इसका कुल मिला के पूरा सेटअप इस गाड़ी का। देख ही सकते हो भाई आप लोग। मैं बंद करके फिर लुक चेक कराता हूँ भाई। ये देखो भाई लो भाई अपने बाहर से ओवरव्यू तो पूरा दिखा ही चुके हैं भाई। ये देखो हमारा छोटा सा एक मिनी हेलीकॉप्टर भी लगवा रखा है इसमें अच्छा लगने के लिए। एक छोटा सा लगा रखा है आदिदेव का फोटो। तो भाई चलते हैं सीधा हम लोग बिल की तरफ। तो बिल निकालो भाई जरा देखते हैं कितना बिल बना है, किस चीज का कितना क्या रेट है। अपने पास एलॉय का भी बिल होगा क्या? कहाँ रखा है? तो दिखाओ भाई सबसे पहले एक बार एलॉय का बिल देख लो भाई आप लोग एक बार। 5 ईयर वारंटी। अच्छा तो एलॉय में क्या वारंटी? वारंटी भी दी गई है। कितनी क्या क्या? ये तो मुझे नहीं पता। 5 साल की है उसमें लिखा क्या है? वो किस चीज की वो नहीं पता। अच्छा मतलब लीकेज वगैरह की होगी या तो बैंड एंड होने की तो दी नहीं होगी। बैंड होने की क्यों ही देंगे? कलर की है उसकी। तो ये देखो भाई इसमें भाई ऐसा कुछ है इसका बिल। मतलब कुल मिला के 26,000 की हमको पड़ चुके हैं। तो चलो कोई बात नहीं भाई इसका काम तो हो चुका है। अब मोटा बिल जहाँ आया है वो देखते हैं भाई। ये देखा टोटल 112,822। अच्छा इसमें से उसने 111,500 लिए हमसे। अच्छा मतलब छोटा सा डिस्काउंट दिया है। मतलब ये सबसे बड़ी एक बात बताओ कि जैसे कोई भी काम करवाया है तो वहाँ पे क्या एडिशनल डिस्काउंट कोई दिया है? मतलब 60% डिस्काउंट था। अच्छा मतलब किस चीज में? कंपनी की जो भी हम पार्ट्स लगवा रहे हैं सारी चीजों 60% डिस्काउंट। पार्ट्स में था कि एक्सेसरीज में था? एक्सेसरीज में ही था। अच्छा मतलब कुल मिला के कि जितना भी इस सुजुकी का जेन्युइन पार्ट था उसमें 60% का ऑफ दिया है। चलो ये तो अच्छी बात है। लाओ जरा बिल देखते हैं भाई। तो गाइस ये देखो बिल जरा भाई लंबा चौड़ा क्या क्या है यार इसमें। तो काफी चीजें DRL वायरिंग भी। अच्छा वायरिंग का भी 1,004 की। DRL भाई 12,000 के डाले हैं। आगे जो हेडलाइट डली है वो 6,000 की है भाई। अच्छा इसमें हॉर्न भी चेंज हुआ क्या? सुना भाई ऐसा कुछ इसमें हॉर्न भी चेंज हुआ। किसका है? क्रेटा वाला। इसमें फ्रंट ग्रिल भी चेंज हुई भाई। ORVM भी हमने इंक्लूड कर चुके हैं भाई साइड वाले जो लगे हैं। स्विच, ये स्विच कौन सा है? अच्छा ORVM के स्विच है ये। ओके रिले वायरिंग हो गई। साइड वेंट GFX है भाई कुछ हो गया। डोर वाइजर भी हमने लगवाए थे भाई। लोअर विंडो गार्निश ये भी भाई कुछ ना कुछ होगा। लोअर विंडो ये मुझे लग रहा है इसकी बात कर रहे हैं। इसमें डैम्पिंग भी हमने भाई करवा रहा। अच्छा इसमें भाई हमने गेट के अंदर डबल साइडेड लेयर की डैम्पिंग करवा रखी है। तो भाई इसमें डैम्पिंग का कितना चार्ज लगाया गया है? 8,500। यानी कि काफी लग गया है। 10 शीट के लमसम में लगा है। टेल लाइट वाइडल अच्छा वो 6750 का है वो डैम्पिंग। तो रिफ्लेक्टर भी इसमें डला है भाई। ये इंटीरियर में भाई हम आपको दिखाई चुके हैं जो कलर है पर्शियन ग्रीन स्पेशल। इसका कितना लिया गया है भाई इंटीरियर का? अच्छा ये साइड वालों का 3,000 लिया है। सीट कवर का 14,000। हैंडल लीवर हो गया भाई। इसमें स्टेयरिंग भी लगा है, हब लगा है उसका, फ्रेम भी लगा है, एसी वेंट भी लगा है, आर्मरेस्ट भी लगा है, गियर नॉब भी। और ये सीट कवर भाई 14,000। ये देखो भाई मतलब ये कुल मिला के जो सीट कवर डले हैं इनके सिर्फ 14,000 रुपये लिए गए हैं। बताना भाई ये थोड़ा सही था कि हम लोगों को ज़्यादा पैसा ऐसा ले लिया गया क्या?
तुमको क्या लग रहा है? ठीक है, पसंद किया है तो मैं तो भाई लगेगा ही। ठीक है, सस्ते दे रहे थे पर हमने चलो ठीक है। ओके ओके, तो इसमें भाई गियर नॉब हो चुका है, सीट कवर हो गया, एम्बियंट लाइट भी हो गई है भाई, रूफ लाइट, रूफ लाइट कौन सी है? अच्छा ये वाली है। ओके तो भाई बची छोटी मोटी रूफ लाइट फ्रेम, ठीक है भाई फ्रेम भी लगा है। लेबर इसमें कितनी इंक्लूड हुई है? 2800 की भाई लेबर ली गई है। अच्छा तो वायरिंग और ये किस चीज़ की है भाई? 1400 पता नहीं चल रहा भाई। डैशबोर्ड का इंटीरियर हुआ है इसका, इसका भी भाई इन्होंने चार्ज लिया है 2200 रुपये, और उसके बाद स्टेयरिंग रैप का लिया है 1500 अलग से। तो कुल मिला के भाई हमारा इतना 111500 का इसमें काम हुआ है। अच्छा तो चलो भाई, बाकी सब कुछ मैंने आपको दिखाई दिया है। ये भाई डिस्प्ले हम पहले ही डलवा चुके थे, इसका अलग खर्चा हमने कहीं और से पहले कराया था, 35,000 या 40,000 के अप्रोक्स करवाया था। तो कुल मिला के कितना हो गया? 180 या 190 के लगभग इसमें लग चुका है अभी तक। अब तो मुझे लगता नहीं कि भाई इसमें कुछ कराने लायक बचा होगा, कुछ कराना ही नहीं है, ही नहीं कुछ। तो चलो अब ये तो भाई गाड़ी की बात होगी, अब तुम ये बताओ कि दिल से खुश हो इस गाड़ी से कि नहीं? अब फील आता है तुमको चलाने में? खुश हो भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब लगता है किसी गाड़ी में बैठे, मतलब खुश हो। चलो अच्छी बात है। चलो भाई मैं एक बार और आपको बाहर से दिखाता हूँ, इसके बाद भाई अपनी वीडियो करते हैं एंड। ये देखो भाई कर रही लुक आ रही है ना, दिखती तो भाई बढ़िया है। एक बार वो मारना जरा, हाई बीम लो बीम मारना। तो भाई ऐसा कुछ था हमारा आज का वीडियो भाई, तो देख लेना आप लोग भाई, अपना दिखा देना प्यार, जो अच्छी लगा हो तो भाई कमेंट करना जरूर भाई, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिए। चलते हैं भाई।